ताज में खुद भी इंकार कर रहा हूं। अब मुझे भी समरीन से शादी नहीं करनी। देखो तो फिर तुम चाहते थे ना कि रोहान की शादी निम्रा से हो, पर अब निम्रा ने खुद ही इनकार कर दिया। अब हम क्या कर सकते? इसीलिए आज फिर अपनी झोली तुम्हारे आगे समरीन के लिए फैला रही हूँ, और मैं बता रही हूँ मैं तारीख लिए बिना नहीं चलूंगी। समरीन और रोहान के रिश्ते को मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। डैड जी आप क्या कह रहे हैं? मैं हरगिज आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, आप गलत कर रहे हैं। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप हाँ नहीं करेंगे, ना मैं जाऊंगी और ना ही पप्पू। तो फैल शमसा, आप बहुत चाह से आ रही हैं बार बार समरीन के लिए, और हमारी समरीन की भी यही ख्वाहिश है। मैं अपनी बेटी के लिए जो बेहतर समझूंगा वो ही करूंगा, और रुहान मेरी बेटी के लिए बेहतर नहीं है ये मैं जानता हूं। मैं जानती हूं तुम्हें किस बात पे गुस्सा है, क्यों नाराज हो मुझ पे। मुझे पता है उस वक्त तुम्हें मेरा इनकार बहुत बुरा लगा था, बहुत भारी गुजरा था तुम पर। मैं आप जो बात बीत गई भूल जाए पुरानी बातों को। हाँ तो मैं भी तो यही चाह रही हूं कि पिछली पुरानी बातों को भूल जाओ, खुदा के वास्ते भूल जाओ। सर पप्पो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुशी के काम की इब्तिदा खुशी खुशी से होनी चाहिए, और वैसे भी इस्लाम हर लड़की को अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है। रोहान एक अच्छा लड़का है, आपके बेटों जैसा है सर, पर अगर आपकी नजर में मेरा थोड़ा सा भी मान है तो प्लीज आप मान जाए। प्लीज तो फिर हम सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मान जाओ, खुदा के वास्ते मान जाओ। मैंने जब इनकार कर दिया तो कर दिया, और मेरे फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है, ये आप सब जानते हैं। अच्छा बस खुदा का वास्ता प्लीज। अब कुछ कहने की बारी मेरी है। रुहान एक मिनट अम्मी, मुझे बोलने दे, मैं कुछ बोल लूं? आज मैं खुद भी इंकार कर रहा हूं। अब मुझे भी समरीन से शादी नहीं करनी। क्या कह रहे हो तुम ये? अम्मी बस चल।